तीन पाछेरी रे। आ हमारी पुशु भी आ गई। पुशु बधाई हो, चार पांच बत्रों उनको ठुल्ली परवार रहते थे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और हम लोग लग गए हैं फिर से अपने काम पे। सो देखते रहो पहाड़ की खूबसूरत लाइफ स्टाइल और मेरे साथ बने रहो और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। थैंक यू। सुबह सुबह का टाइम, नए दिन के साथ नई शुरुआत। और आज मौसम थोड़ा गड़बड़ी है, बादल लगे हुए हैं और धूप तो नहीं आई है, पर देखते हैं दिन में तक क्या रहता है मौसम। और हम लोग लग गए हैं फिर से अपने कामों में। शादी ब्याह का एक ही शादी थी, वो निपट गई है। अब है परसों को तो वो लड़की की शादी है, तो बारात आएगी। रानस को सुबह सुबह झोड़े सुनाए जा रहे हैं, वो खुश हो रखा है। और राधा बर्तन धो रही है और मम्मी लगी है भैंस के साथ। फाइनली आज हमारी पुशु भी ब्याह गई है। ये देखो इसके तीन बच्चे हो रखे हैं। पुशु बधाई हो। और इसको मैं दूध पिलाने के लिए ऊपर आ रखी हूँ भेड़ में। और ये यहाँ है, ये इसके हो रखे हैं तीन बच्चे। तीन पाछेरी रे। आ हमारी पुशु भी आ गई। पुशु पुशु क्या तीन पाछेरी होय है क्या अब तेरे परिवार। द्रांस बाय बाय। तो हम चले गए हैं घास लेने के लिए नीचे अपने खेतों में। वहां से घास लेके आनी है, सूखी वाली गुडई लेके आनी है। राधा, मैं, मम्मी और पापा सुबह ही चले गए थे, वो उसको उधार के आए हैं। सुबह सुबह हम चले गए हैं घास लेने के लिए। और दो तीन दिन हम लोग थे शादी में, खूब ज़्यादा इंजॉय किया। और आप पर अब है दो तीन दिन रेस्ट, उसके बाद फिर से एक शादी है, फिर हमें जाना मैं है। जाऊंगी मायके, राधा जाएगी मायके, मुझे जाना है अपना ससुराल। आप लोगों को कोयल की आवाज सुनाता हूँ, सुनिए। अब चुप हो गया, राधा की आवाज सुनते ही चुप हो गया कोयल। मेरे ख्याल सुरीली आवाज छे, मैं चुप है जैसे होना देखो। ऐसे छेड़ते हैं हम पक्षियों को यहाँ, कोयलों को। और पहुंचने वाले हैं हम, वहां पे जाना है। मम्मी तो गई है वहां पे, ये देखिए यहाँ पे। चलो ये पहुंच गए हम लोग घास लेने के लिए। और यहाँ से ले जानी है घास, ये मम्मी ने घुड़े लगा भी दी एक। और इस वाले पेड़ में लूट लगाया था, मतलब ये सब घास इस वाले पेड़ में थी इकट्ठा करके। और उसको पापा सुबह सुबह नीचे यहाँ डाल के गए हैं। और पुशु भी आया हमारा यहाँ। हाँ ये ऐसे घुटे ही लगाई जाती है।
ये पहुंच गए घर, पसीना हो गया। बधाई दे मैं पूछूं क्या को बधाई हो चार पांच बत्र उनको ठुल्ली परवार है तो जी। चले गए हम दूसरे राउंड के लिए और उस टाइम तो धूप नहीं आई थी, अभी धूप आ गई है। उधर जाना है हमें नीचे खेतों में, चलो जल्दी से लेके आते हैं। मौसम धीरे धीरे करके साफ हो गया है और दिन में फिर धूप आ जाएगी मस्त वाली। तो मौसम सही था पर 11 बजे, अभी 11 बज रहे हैं और हवा चल रही है अभी मस्त वाली ठंडी हवा। और भैंस भी सब अंदर बांध दिए हैं, मम्मी अंदर है, राधा सब लोग अंदर रुद्रांश के साथ है, अम्मा आई है खेत में। आज हमारे लहसुन हो गया है तैयार तो उसको उखाड़ के अब ले जाते हैं घर। ये देखो यहाँ पे जो हमने लहसुन बोया था पूरा तैयार हो गया है गोमो, ये ऐसे गांठ बांध दी है। अब इसको दो तीन दिन ऐसे सूखने देंगे, उसके बाद इसमें मक्का तो लगा ही रखी हमने और लगा देंगे। ये ठंडी जला लहसुन जला ये अचार डाला लहसुन अचार सब नंटे नया फूल जा फूल लिया झूल जा झूल लिया था जा बच लिया। तो शाम का टाइम और यहाँ से धूप चलेगी हमारे घर से, अब रहेगी इस साइड में और मौसम भी बढ़िया है। और अम्मा ने लहसुन काट दी है, उसके मतलब ऊपर के पत्तियाँ काट दी हैं और इतना लहसुन हुआ है हमारा इस बार। अभी तो ये सूखेगा, इसको अभी 7-8 दिन सुखाया जाएगा धूप में, उसके बाद इसको रख देंगे हम लोग। ये देखिए खुशबू आ रही है यहाँ तक, ये हैं उसकी पत्तियाँ और इनके बीच में भी लहसुन लगे रहते हैं। जैसे ये पौधा है लहसुन का, जड़ तो काट के रख दिए, बीच में भी जो लहसुन रहते हैं इनको निकाल दिया है, ये वाला लहसुन ये रहा। तो ये दवाई के रूप में भी काम आता है, जैसे जिस किसी के पैरों में दर्द हो रहा हो और घुटनों में दर्द हो रहा है तो इसको पीस के लगा दो, दर्द गायब, ये इलाज भी होता है। और इधर खेत में लगे हैं राधा गुड़ाई करने में, प्याज की गुड़ाई करने में लगी हैं। अब बारी है प्याज को गिराने की, इसके पौधे मतलब आज तक तो खड़े, आज तक तो ये खड़े थे, अब इसको ऐसे लिटा देंगे तब इसकी जड़ ज़्यादा बड़ी होगी, मतलब प्याज के दाने ज़्यादा बड़े होंगे। ये राधा ये है जैसे ऐसे नीचे लिटा देते हैं, हाँ ऐसे, तभी इसमें फिर से चौलाई को इतनी हो रखी है। बताओ हम 3 दिन शादी में थे तो ये एकदम से इतना बड़ा हो गया, ये देखो कितनी हो रखी है पूरे खेत में।